नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। ধন্যবাদ জানাই আমাদের জেলা যুব নেত্রী ববিতা, তার পুরো টিম এই মিছিল আয়োজন করেছে ও উপস্থিত হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই আমার ডেপুটি মেয়রকে, আমার এমআইসি দেরকে, বিভিন্ন ব্লক সভাপতিকে। ধন্যবাদ জানাই আমার মহিলা নেত্রীদেরকে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিভিন্ন কাউন্সিলর। ধন্যবাদ জানাই আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুভদ্রা বাউরি মহাশয়াকে। এরপর আপনাদের সামনে মঞ্চ পে আমাদের জেলার অভিভাবক এবং রাজ্যের মন্ত্রী মহোদয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়করা আছেন, তপসদা আছেন, বিধানদা আছেন, আমাদের জেলা চেয়ারম্যান দাসুদা আছেন, ক্যাপ্টেনদা আছেন, রুদ্রদা আছেন, পুজুদা আছেন এবং বিভিন্ন নেতৃত্ব যারা মঞ্চে আছেন এবং সর্বোপরি যারা আপনারা এই সকাল থেকে আজকে আসানসোলের প্রত্যেকবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন যে নেত্রী যে আওয়াজ তুলেছে, যে জননেত্রী, যে আমাদের দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে আওয়াজ তুলেছেন, সেই আওয়াজে আজ সমস্ত আসানসোল মহকুমায় যে আওয়াজ উঠেছে নো এনআরসি নো সিএবি, এটা প্রত্যেক মানুষে এইখানে দিকে দিকে বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই আওয়াজ, এনআরসির আওয়াজ, আমাদের জননেত্রী দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত এক সপ্তাহে তোলেনি, গত এক মাস পেছনে বিগত এক মাসে তোলেনি। যখন আসামে এনআরসির কথা উঠেছিল সেই সময় আমাদের বাংলার নেত্রী এই আওয়াজ তুলেছিল। এই বিরোধী ভারতীয় জনতা পার্টি যে বিরোধী বারবার নীতি নিয়ে আসছে ভারতবর্ষে, তার আগে যদি একজন নেত্রী আওয়াজ তোলে সেই নেত্রীর নাম, সেই দেশের নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আপনারা প্রত্যেকে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে তাকে সাপোর্ট করেছেন। আপনার সিনা হ্যাঁ, আপ হামারি দিদি সে ইতনা কিউ ডরতে হ্যাঁ। मैं चाहता हूं यहां की जनता के सामने बार बार बाबू सुप्रियो नाम लेने में ठीक नहीं लगता है, उसका हम लोग आज से एक नया नाम रखेंगे और उसी नाम से उसे बुलाएंगे। उसका नाम आज से रहेगा नौटंकी मास्टर। बाबू सुप्रियो को आज से हम लोग बाबू सुप्रियो के नाम से नहीं बुलाएंगे, उसे क्या बुलाएंगे? नौटंकी मास्टर। और एक और आदमी कुछ दिन पहले बीजेपी का राज्य सभापति यहां आया था, दिलीप घोष, उसका भी एक नाम रखना है, उसका भी एक नाम रखना है। उसका क्या नाम रखेंगे? दंगा मास्टर। दिलीप घोष का नया नाम दंगा मास्टर। बीजेपी के दो नेताओं का नामकरण आसनसोल की जनता ने आज यहाँ रखा है, दिलीप घोष नहीं, कौन सा घोष, दंगा मास्टर, और ये नौटंकी मास्टर। मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, आज से दो चार दिन पहले वो नौटंकी मास्टर और दंगा मास्टर दोनों मिलकर यहाँ पर आए थे एक जुलूस करने के लिए। आज यहाँ पर जुलूस नहीं कर पाए क्योंकि जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला, और कलकत्ता में जाकर कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी शांति नहीं है, बंगाल में लोगों को जुलूस नहीं करने दिया जाता है। वो जो दंगा मास्टर है, हम लोगों ने देखा कि वो जुलूस के बाद वाले दिन बर्णपुर में चाय के दुकान में चाय पी रहा था,
भाई बर्णपुर में तुम दुकान में चाय पीते हो और उसके बाद भी कहते हो कि बंगाल में तुम्हें फ्री रूप से शांति से तुम्हें राजनीतिक काम करने के लिए नहीं दिया जाता है। वो जो दंगा मास्टर है वो बर्णपुर के हर इलाके में घूम रहा था, लोग उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। और वो जो नौटंकी मास्टर है, हम लोगों ने देखा कोट पैंट पहन के पाउडर सेंट लगा के शाम को टीवी के चैनल में कलकत्ता में बैठा हुआ था, वो भी कह रहा है कि बंगाल में शांति नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि उत्तर प्रदेश में जिनको कत्लेआम किया गया उनके परिवार से मिलने के लिए राज्य की मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे 3-4 सांसद जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उनको एरोप्लेन से उतरने के बाद एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता है। इतनी डरती है यूपी की सरकार हमारी दीदी से, आपकी दीदी से, हमारी ममता बनर्जी। आज कलकत्ता में भी एक जुलूस निकाला जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस जुलूस का नाम लिया गया है अभिनंदन यात्रा। अभिनंदन किस लिए? नरेंद्र मोदी को वो लोग अभिनंदन देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को आप क्यों अभिनंदन देना चाहते हैं? तो कुछ बीजेपी के मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया कि दादा हम लोग झारखंड में हार गए हैं इसीलिए नरेंद्र मोदी को अभिनंदन देना चाहते हैं। हम सारे लोग एनआरसी और सीएबी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी कमांडर कौन है? हमारी कमांडर है ममता बनर्जी। और यदि हमारी कमांडर ममता बनर्जी है तो हर किसी को उनके हर बात पर ध्यान देना चाहिए। कमांडर कहे पूरब जाओ और हम पश्चिम जाना शुरू कर दिए तो जंग में हम हार जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से मर्यादा को माइक देने से पहले एक वादा लेना चाहता हूँ सारे लोगों से। आप वादा करने के लिए तैयार है? तो ये वादा कीजिए कि आज के बाद दीदी के ऑर्डर के बिना दीदी जो बोलेगी वही हम करेंगे। करेंगे तो दीदी जो बोलेगी वही हम करेंगे। हमको अरे पुतला जला के क्या होगा, पुतला जला के क्या होगा, इतना ज्यादा तादाद में हम लोग जुलूस निकालेंगे कि तुम जिसका पुतला जला रहे हो उसका दिल जल जाएगा पुतला जला के। तो कॉर्नल साहब को यह वादा कर सकते हैं तो कि दीदी से बिना पूछे आसनसोल में कुछ नहीं होगा? नहीं होगा तो अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। कोई दूसरा कोई आकर हिंदू मुसलमान का रहनुमा बनने का कोशिश करेगा उसको हम लोग नहीं मानेंगे। हमारा कोई रहनुमा है, हिंदू का भी रहनुमा ममता बनर्जी है, मुस्लिम की भी रहनुमा ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी है। और हम लोग उनके बात को मानते हुए वो जैसा कहेंगे उसी तरह का आंदोलन हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे।